नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध तत्वधान में ही भ्रम फैलाकर लोगों को यहां पर बरगाले पर भाजपा एक माता घर घर जाकर जनकल्याण अभियान के नागरिकता संशोधन अधिनियम के लोगों को अवगत करवाई है। इसी के दौरान आपको बताया चले कि जिला पंचायत सभाकर में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ही प्रवेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने कही, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में देश झेल रहा है। हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहां पर धर्म वालियों के साथ ही भारत के सदस्यता बनाने के लिए कानून के विरोध वही लोग में जो धर्म आधार पर आपको बताया चले देश के बंटवारे का समर्थन करते हुए भारत में खंडित करना चाहते हैं। उन्होंने 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के बावजूद भी पाकिस्तान 23% गैर मुस्लिम के साथ आपको पता चले कि धर्म वालों की संख्या आज मात्र 3% हो गई है। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं देवब्रज विश्ववर्मा की खास रिपोर्ट गाजीपुर से। लोकसभा राज्यसभा में उसको भारत की जनता को भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भली भांति समझाया कि ये किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से लेके कुछ देश में जो फर्जी गांधी इस देश में घूम रहे हैं, सोनिया विदेशी और अपना ओवैसी, ये दोनों खाली सत्ता के लिए जिस तरह से हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को दुर्भ्रमित करके बम विस्फोट करा रहे हैं, जिस तरह से तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे कोई ये राष्ट्रवादी कदम नहीं है, निश्चित तौर पे देशद्रोही कदम है। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के साथ रहते हैं, ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो भाजपा का एक कहना है कि आप हर घर से अफजल निकालते रहिए, हम हर घर से अब्दुल हमीद निकालेंगे। उसी के तहत उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि सीए को आम जनता तक, अंतिम आदमी तक इसके बारे में बताने, उन्हें जगाने, अल्पसंख्यक समझाने को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेके वार्ड स्तर तक गली गली जाएगी, ग्राम स्तर तक गली गली जाएगी, वहाँ विधायक जाएंगे, मंत्री जाएंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि विधायक जाएंगे, मंत्री जाएंगे, सांसद जाएंगे, लेकिन आपके इसी प्रेसवार्ता में जनपद में आपके 3-3 विधायक हैं और एक MLC भी हैं, उनका कहीं अता पता नहीं, अभी तक CA के मामले में अपने स्तर या अपने विधानसभा में इन लोगों ने किसी को जागरूक करने का काम किया है? देखिए आपको बता दें कि अभी तो कार्यक्रम 26 दिसंबर से शुरू हुआ है और 25 जनवरी तक चलेगा, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायक और मंत्री को बुलाने के बजाय जब जिला अध्यक्ष आ जाता है तो उसी में सारे लोग आ जाते हैं। नहीं, CA का विरोध पिछले एक हफ्ते से ऊपर हो गया चलते, तो कम से कम इस दौरान तो अपने क्षेत्र के लोगों को उनको जागरूक करना चाहिए। नहीं, और जमानिया विधानसभा की बात करें तो वहाँ सबसे अधिक अल्पसंख्यक जमानिया विधानसभा में है, तो क्या वहाँ के विधायक अपने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जाने के प्रयास किए? नहीं, निश्चित तौर पर अब उनको 26 के बाद का जो कार्यक्रम है, सभी लोग हैं, देखिए जिला पंचायत के सदस्य वहीं के आए हैं, इसको निश्चित तौर पर बताने काम, और पार्टी ने कहा ये करना ही पड़ेगा। अरे ये लोग नहीं करते तो क्या किया जाए? अगर कर्म लगी तो करेंगे, पार्टी कार्यकर्ता है, विधायक है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन